तो सर, जो पूर्ण राज्य का दर्जा वाला मुद्दा केजरीवाल जी उठा के लेके आए हैं कि दिल्ली की जनता अगर मुझे साथ देगी तो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला देंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? ये मतलब एक फिर से जनता के साथ छलावा करने वाली बात है या सच में केजरीवाल कुछ ऐसा करना चाहते हैं? नहीं मैडम, वो ऐसा मेरे को तो लगता नहीं है कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव में जब भी आते हैं वो कुछ ना कुछ नई चीज़ लेकर आते हैं, और पूर्ण राज्य की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है दिल्ली के अंदर, तो कम से कम नहीं है। कोई राजधानी है, सेंट्रल है, हिंदुस्तान का आदमी आता है, यहाँ पूरी दुनिया का आदमी यहाँ आता है। अगर पूर्ण राज्य का दर्जा अगर दे दिया गया तो पुलिस उनके अधीन हो जाएगी, पुलिस अब अधीन हो जाएगी। अब स्टेट सरकारों में जाके देखिए, यहाँ पर पुलिस स्टेट सरकार के अधीन है, वहाँ कितना क्राइम है, और छोटे छोटे चुटपुटिये नेताओं के अंडर में हो जाती है पुलिस। पुलिस बिल्कुल सही है इस टाइम, बहुत बढ़िया काम करती है हमारी दिल्ली की, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही रहना चाहिए। पूर्ण राज्य की ऐसी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। सर, थप्पड़ पर क्या बोलेंगे सर? केजरीवाल ने सिर्फ झूठ की राजनीति की है, वो सिर्फ लोगों के संग छलावा कर रहा है ना। उसे 15 साल शीला दीक्षित ने शासन किया, उसको पता ही नहीं हो सकता। वाजपेयी जी थे तब भी और आज की डेट में भी दिल्ली का जितना नाश केजरीवाल ने किया है शायद ही किसी ने किया हो। 24 दिन का बिल बिजली का आ रहा है, 1 महीने का कह रहा है मैं पानी फ्री, ये फ्री, कोई फ्री नहीं। दुनिया भर की चीज़ें फ्री करने से मतलब नहीं होता, आप काम करिए। दुनिया मोदी जी को मान रही है, पूरा देश मान रहा है, लेकिन वो गाली दे रहा है। ऐसे ही हमारे राहुल गांधी है, वो 49 साल के मंदबुद्धि बालक हैं जिनको ये नहीं पता क्या कहना है। वो प्रधानमंत्री को चोर कहते हैं बिना किसी सबूत के, और पूरा देश पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, बीजेपी को आना चाहिए देश के लिए, और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई काम कर रहा है वो नरेंद्र मोदी है उसका नाम, और उसने काम किया है, काम करेंगे। और हर गोदी क्यों भाग गई प्रियंका गांधी वहां से? प्रियंका गांधी को पता था कि मेरी जिंदाबाद काम की बात है, जिंदा काम होना चाहिए, जो देश का काम करेगा। श्रीमती इंदिरा गांधी ने 71 की लड़ाई लड़ी, जीता, और ये कहते हैं कि अचूक उसको अजहर मसूद को बना दिया, इलेक्शन के टाइम बना दिया, ये सब ड्रामेबाजी है, और ये मैडम झूठ है। एक बार फिर मोदी आना चाहिए, देश का बेड़ा पार होना चाहिए। सर, थप्पड़ पर क्या बोलेंगे? केजरीवाल को थप्पड़ पड़ा तो ये इलेक्शन स्टंट है, क्योंकि वो भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। वो मैम वो सारी बात कहने वाली है, एक पार्टी दूसरे करने वाली बात है, पर नरेंद्र जी का मुकाबला कोई नहीं था। नरेंद्र मोदी राष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बस। सर, केजरीवाल की राजनीति के ऊपर क्या कहेंगे कि जिस कांग्रेस पर आरोप लगा के आए थे उसी के पीछे गठबंधन के लिए भाग रहे हैं? मैं तो आपसे वही दोबारा भाग रहा हूँ, पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है मैडम, ये तो आप नहीं। गठबंधन पर क्या कहेंगे जो ये गठबंधन के लिए पीछे पीछे भाग रहे? इसके बारे में कुछ नहीं जाता, हमें एक ही हमें कि बस हमें हमारा दोबारा पीएम हमारा नरेंद्र मोदी बनना चाहिए, बाकी बस, और हमारा कोई मकसद नहीं है नरेंद्र मोदी बस, और कुछ नहीं। पर विपक्षी तो कहते हैं देश का चौकीदार ही चोर है। नरेंद्र मोदी 24 कैरेट है, बाकी 14 कैरेट है, सारी बातों का एक जवाब है, बस बात खत्म, बाकी सब मिलावटी है, खाली सोना है नरेंद्र मोदी। सर, पर लोग कहते हैं देश का चौकीदार चोर है। बिल्कुल चोर नहीं है, बाकी कहने वाले चोर है, जो कहते हैं वो चोर है, उनकी चोरी पकड़ी जाए इसलिए वो चोर कहते हैं। नरेंद्र मोदी 24 कैरेट सोना है। देखिए सर, मोदी के अलावा जो भी विपक्ष है वो चोर है सर, एक अच्छा आदमी है जो मोदी बढ़िया काम कर रहा है जी, उसको खाली इसलिए रोक रहे हैं कि वो आएगा तो जो हमने घोटाला किया है वो जाएगा, खाली इसी के लिए उसके पीछे पड़े हैं जी, और कोई वाला नहीं है। अगर वो प्रधानमंत्री दोबारा बना तो सबको बराबर करेगा, हिसाब किताब करना है, इसीलिए जी मोदी ना आए। मगर हमारी तमन्ना ये है मोदी आएगा जी। मोदी है तो मुमकिन है, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, मोदी है तो मुमकिन है। केजरीवाल की राजनीति में जो फेरबदल हुई है, पहले वो गठबंधन के कस्में खा के आए थे कि किसी भी पार्टी के साथ नहीं करेंगे, अब वो सत्ता का लालच कहे उनके अंदर इतना भर गया है कि वो कांग्रेस के पीछे पड़े हुए हैं। देखो, ये पहले ये तो तय है, क्योंकि जब केजरीवाल जी एक राजनीति पार्टी नहीं थी उनकी, एक कोई किसी राजनीति के घराने से वो नहीं थे, उन्होंने जनता ने इतना विश्वास किया कि ये अच्छा काम करेगा दिल्ली के लिए, उन्होंने वायदा भी किया था, जब उनकी 28 सीटें आई ना तो उन्होंने वायदा किया था। तो कहीं ना कहीं जज्बातों के साथ खिलवाड़ किया जनता ने, वो तो उन्होंने एक आंखें बंद करके दे दिया, उनको ये नहीं मालूम थी इतना बड़ा धोखा होगा। जब 2015 में उन्होंने वायदा किया था कि सेंटर में मोदी और दिल्ली में मैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे, मगर उसका उन्होंने उल्टा किया, उन्होंने ये सोचा कि अब वोट बैंक में घुस जाओ, अपनी राजनीति प्रधानमंत्री बनो वोट बैंक में। वो दिल्ली को देखना चाहिए था उनको, वोट बैंक नहीं देखना चाहिए। जिस कांग्रेस को पानी पी पी के उन्होंने गाली दी,
उस कांग्रेस के पैरों पे गिरे कि भाई मुझे बचा लो, क्योंकि मुझे 6 महीने के बाद में विधानसभा में जाना है, तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हारे साथ गठबंधन करने को तैयार है, थूक के चाटने को भी तैयार है हम कि हम तुम्हारे साथ हूँ, मगर हमें वोट बैंक बिखर ना जाए तो मोदी ना। अरे ठीक है, मोदी एक है, मोदी की बात कर, अरे तुम देश के लिए क्या करोगे ये तय कर लो। चलो मोदी को हटाना चाहते हो, तुम क्या करोगे वो बताओ जनता के बीच में सबको कि भाई हम ये करेंगे। कांग्रेस तो चोर है, तो चोर के साथ तुम भी क्यों जा रहे हो? तो तुम इसका मतलब है कि भाड़ में जाए दिल्ली, मगर हमें गद्दी चाहिए। और मोदी जो है ना, आज दुनिया में जाओ, विदेश में चले जाओ, इंडिया की छोड़ के विदेशों में चले जाओ, मोदी सबसे ज्यादा हीरा है पूरे विश्व में, पूरे विकास कर रहे भाई। तो पर मोदी आया है, इसने जिसने दुनिया में ये तय कर दिया कि भाई हम 125 करोड़ वासियों का हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, आप हमारा साथ दोगे तो ठीक है। नहीं सर, एयर स्ट्राइक पर भी सवाल उठाए जाते हैं, उसमें क्या मोदी ने वो किया है? उसमें वो तो झूठ बोल रहे हैं ये लोग विपक्ष का, क्योंकि उनका वोट अब खत्म हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी हिम्मत थी तो पाकिस्तान को अंदर घुस के क्यों नहीं मारा? इतनी बार 26/11 को इन्होंने हमला किया, दिल्ली में हमला किया, सरोजिनी नगर में हमला। 26/11 में वायुसेना ने बोला था कि हम एयर स्ट्राइक करना चाहते हैं, पर इस पर जो उस टाइम पे गवर्नमेंट थी, तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उन्होंने मना कर दिया था। देखो मनमोहन सिंह बेचारे बहुत अच्छे आदमी है, वो जो सोनिया गांधी जो कहती थी वो करते थे, वो तो उनका कुछ भाई, वो तो कठपुतली है, जैसे सोनिया भाई सोनिया गांधी जो कहेंगी वही वो करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस के राज में मैडम हमारे जवानों के सर काट के ले जाते थे, आज तक कोई बोलने वाला नहीं था, हैं? आज ये सरकार ऐसी बनी है, इसमें हिम्मत भी है, जोश भी है और ताकत भी है। और जो जिसने कहा 56 इंच का सीना, तो वास्तविकता उसके 56 इंच का सीना है भी, और विकास भी हुआ है। अब आप इस चीज को नकार नहीं सकते जो 55 साल में सरकार ने आज तक नहीं किया, और उसके जो जन्म से आज हमारी भी शरीर के अंदर बेईमानी के जो कण हैं उनको निकलने के लिए कुछ टाइम तो मिलेगा ना। अब आप क्या सकते हो 55 साल की गंदगी क्या 5 साल में निकल जाएगी? उसके लिए टाइम तो लगेगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ मोदी जी के जितना विकास किसी ने भी नहीं किया, जो भी ये सरकार आई है सबने अपना घर भरा है बस, और शौचालय से, आवास से, पानी से, हर चीज से। और आज आप यूपी के अंदर देखिए, और आज 5 साल पहले देखिए यूपी के अंदर कितना आतंक था, 9 बजे के बाद में बंदा निकल नहीं सकता था। आज हमारे यूपी के अंदर पूरे लोग बाग सुरक्षित हैं, 98% आज यूपी का बंदा कहता है आज हम सुरक्षित हैं, आज हम जो भी कुछ हैं तो मोदी और योगी की वजह से है। अगर इनमें कांग्रेस में इतनी अगर ताकत होती तो किस लिए गठबंधन कर रहे हैं? अगर ताकत है तो खुले मैदान में स्वयं लड़ो ना, कभी कभी अखिलेश का गठबंधन, कभी केजरीवाल जी का गठबंधन, ये गठबंधन की सरकार क्यों बना रहे हैं? अगर नहीं आपके अंदर अगर ताकत है तो आप मायावती और केजरीवाल तो झूठे हैं, दिखाइए ताकत कि हाँ जी हमारे अंदर ताकत है। आज वो राहुल जी भागते डोल रहे हैं, अगर उनमें ताकत होती तो अमेठी के अंदर जमे 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 रहते ना। अभी आपने 3 दिन लेटर, एक लेटर भेजा है, भावुक लेटर। मैडम आपने अभी 3 दिन पहले भी देखा होगा कि अमेठी के अंदर एक युवक अपनी जान से चला गया, क्या उसने कोई गलती करी? उसके पास जो है कार्ड था 5 लाख रुपए वाला, वो आयुष्मान भाव कार्ड था, वो संजय गांधी उसमें गए हॉस्पिटल में, तो उन्होंने ये कहा कि ये योगी और मोदी का हॉस्पिटल नहीं है, ये राहुल गांधी का हॉस्पिटल है, आप अपना पैसे जमा कराइए। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि उसके जो है चाचा एक्सपायर ही हो गए हैं। तो अब आप ये इससे क्या सरकार से उम्मीद लगा सकते हैं? कांग्रेस से जो एक आदमी का इलाज नहीं करा सकती वो देश को क्या संभालेगी? बस कहते हैं और मोदी जी को चोर कहता है तो समझ लीजिए कैसे चलाएंगे। कहते हैं कि नौकरी दूंगा 24 लाख, आज से 5 साल पहले तो उन्हीं की सरकार थी, आज से 5 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, कितनी नौकरी दी उन्होंने, कितनी नौकरी दी उन्होंने, कहते हम नौकरी देंगे 20 साल में हम नौकरी देंगे, 2020 में मार्च तक हम नौकरी देंगे, 24 लाख देंगे, आज से पहले उनकी सरकार थी, कितनी नौकरी मिली है? नहीं नहीं, अब राहुल जी का नारा है कि अब न्याय होगा, अब 55 साल तक ये अन्याय कर रहे थे हैं, और अब ये न्याय करेंगे? नहीं 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 नहीं, लोगों से कहते हैं जी 72,000 रुपए हम सालाना डालेंगे हैं, ये अब मैडम जनता जागरूक हो चुकी है, जनता पढ़ी लिखी है और शिक्षित है, अब ये इनकी बहकावों में नहीं आने वाली। और मैं तो चाहता हूँ कि हमेशा के लिए मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, बस जब तक है, बस जब तक।
मैडम कांग्रेस की तो नीति ये रही है लोगों को फरीका खुआना सिखाओ और वोट उन्हीं के बंदे रवे और कुछ भी नहीं कर पावे, पंगू हो जाए पब्लिक और मतलब हमारे को वोट दे और कोई ऑप्शन ही नहीं रवे। पर अभी पब्लिक समझ गई है, अभी पब्लिक ऐसा करने वाली नहीं है। मोदी जी आ रहे हैं, 100% आ रहे हैं।